क्योंकि वो सिर्फ उनका बेटा नहीं जिन्होंने उसको जन्म दिया था, ये पूरे देश का बेटा था और जो शहीद हो गया अपने देश के। उनके नाम से शहीद स्मारक हो, जिसको देखते हुए आते जाते बच्चे भी जो जानकार नहीं है उन पूछे कि किनका फोटो प्रतिमा है तो बताया जाए कि बेटा देखो ये वीर संदीप पाल है, तो उनके हिस्ट्री के बारे में पता चले और वो बच्चा भी प्रेरित हो कि एक ना एक दिन हमें भी संदीप पाल बनना है और राष्ट्र हित में काम करना है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित के लिए सबसे पहले हम अपने जान भी देना पड़े तो जान देंगे, इसके लिए हम लोग का शहीद स्मारक जरूर बनना। मौत से काफी हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड मरमाहत है और पूरे देश मरमाहत है। यह पाल संदीप पाल देश का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है, माँ धरती का बेटा है, इसलिए हम लोग काफी गम है और हजारीबाग में आज हजारों हजार की संख्या में उनकी पार्थिव शरीर को नमन करने आए हैं। जय जवान जय किसान। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे कि सामने सारे लोग इंतजार में हैं और ये शहीद जो संदीप हैं उनके ही इंतजार में सारे लोग यहाँ पे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो लोग इंतजार में हैं सभी लोग बस वही देश प्रेम की भावना दिखाते हुए उनके इंतजार में हैं। सर क्या कहिएगा, आज हजारीबाग का एक जो जवान है वो शहीद हो गया है अपने देश के लिए। हम सबसे पहले संदीप पाल जी को सत सत नमस्कार करते हैं और सत सत नमन करते हैं जिन्होंने देश के हित में अपने प्राण की आहुति दी है। हजारीबाग वीरों की धरती है, हजारीबाग में वीरों की कमी नहीं है, कई सेना यहाँ शहीद हुए हैं। रघुवीर मेहता हो, राजेश मिंज हो या आपका कारगिल पॉइंट जिनके नाम से वो हो, सभी शहीद यहाँ हुए हैं। हम इस सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से, कि हजारीबाग में सभी शहीदों के एक साथ शहीद स्मारक बनाया जाए ताकि नौजवानों के देश के प्रति सच्चा प्रेम दर्शाए। आज उनके मौत से काफी हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड मरमाहत है और पूरे देश मरमाहत है। यह पाल संदीप पाल देश का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है, माँ धरती का बेटा है, इसलिए हम लोग काफी गम है और हजारीबाग में आज हजारों हजार की संख्या में उनकी पार्थिव शरीर को नमन करने आए हैं। जय जवान जय किसान, भारत माता की वंदे, वंदे संदीप पाल अमर रहे, संदीप पाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की वंदे, वंदे। तो यहाँ पे आपने देखा और कहते हैं कि दिल में है मेरे चाहत वतन की, दिल में है मेरे चाहत वतन की, निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, मैं दुनिया में चाहे जहाँ भी रहूँगा नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की। और अपने देश के प्रति जो मोहब्बत है उसको दिखाते हुए अपने देश की माटी में मिल गए। सर क्या कहिएगा, आज हजारीबाग के धरती से एक वीर जो है अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। सर प्रथम आपके चैनल के माध्यम से संदीप पाल जी को और तमाम जो हमारे देश के देश हित के लिए राष्ट्र हित के लिए शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीरता को प्राप्त हुए हैं, उन तमाम को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और संदीप पाल हमारे हजारीबाग खिरगांव निवासी हजारीबाग को ये प्रेरणा देते हुए गए हैं, वो प्रेरणा दिए हैं सभी नवयुवक को कि देखो काम अगर बेटा बनना है तो संदीप पाल जैसा बेटा बनो, देश हित में काम करना है, राष्ट्र हित के लिए जगना है तो संदीप पाल बनो। ये एक सबक हम लोग को मिला है और सभी लोग उनको देख करके हम लोग बहुत मतलब कि प्रोत्साहित है। और आपके चैनल के माध्यम से भी, जितने चैनल से मैं बात कर रहा हूँ सभी चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि जितने भी अभी फिलहाल हमारे संदीप पाल जो शहादत को वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके नाम पे शहर के किसी भी चौक चौराहे को उनका नामकरण दिया जाए, उनके नाम से शहीद स्मारक हो, जिसको देखते हुए आते जाते बच्चे भी जो जानकार नहीं है उन पूछे कि किनका फोटो प्रतिमा है तो बताया जाए कि बेटा देखो ये वीर संदीप पाल है, तो उनके हिस्ट्री के बारे में पता चले और वो बच्चा भी प्रेरित हो कि एक ना एक दिन हमें भी संदीप पाल बनना है और राष्ट्र हित में काम करना है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित के लिए सबसे पहले हम अपने जान भी देना पड़े तो जान देंगे, इसके लिए हम लोग का शहीद स्मारक जरूर बनना चाहिए, जिससे लोगों में प्रेरणा हो, सभी राष्ट्र हित के लिए एक जज्बा आ गया है कि हाँ राष्ट्र हित में काम करना है तो बनना है तो संदीप पाल बनना है। बोलो संदीप पाल, संदीप पाल, भारत माता की, भारत माता की।
तो आपने यहाँ पे देखा कि जो शहीद हो गए अपने देश के लिए उसके नाम पर एक स्मारक, एक पार्क या फिर कोई किसी चौराहे पर उसका मूर्ति लगना चाहिए, ताकि आने वाले सारे युवा पीढ़ी उनको देख करके प्रेरणा ले कि देश के लिए जो मरने वाले होते हैं उसके प्रति देश का लोग भी कुछ करें। क्या कहिए, आप भी एक युवा हैं और क्या आप कहना चाहेंगे आज का जो यहाँ पे सारे लोग इंतजार में हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं? जी, हमारे जो संदीप पाल है उनके नाम से एक चौक बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग भी सब जो है यही चाह रहे हैं कि चौक बनना चाहिए। चाचा, आप एक पिता के भांति भी आप देख सकते हैं कि उस तरह से जब एक बेटा जो अपने देश के लिए मर मिटता है, तो उस विषय पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जो भी था वो मेरा बेटा था, भतीजा था, देश का भी बेटा था, और हम यही कहना चाहेंगे उनका श्रद्धांजलि बेकार ना जाए, इसलिए हमारा जो खिरगांव का चौक है, जिसको हम धानू बाबू चौक से पहले जानते हैं, उस जगह पर उसका आदम का प्रतिमा इतना ऊंचाई तक बने जो हम लोग देखे तो ऐसे ऊपर झाक कर देखें, सर उठा करके देखें, उनका सम्मान में सर उठा करके देखा जाए, ऐसा होना चाहिए। आप एक युवा हैं और भारत का झंडा भी लिए हुए हैं, चलिए इनके भी अंदर में वो प्रेम है, वो देश प्रति है भावना है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, और अपना जो देश के वीर जवान जो है उनको लेकर के इनके भी मन में है। सर आप क्या कहिएगा? इस प्रकार से सारे लोग यहाँ पे देखेंगे, इतने धूप है, इस धूप में यहाँ पे तैयार है उनके इंतजार में कि हम भी उनका दर्शन कर सके अंतिम जो क्षण है उसमें। सर क्या कहिएगा? संदीप हमारा भतीजा था और हमारा खिरगांव का बहुत ही अच्छा बेटा था, जिन्होंने बॉर्डर पे जा करके अपनी शहादत दी है, और हम लोग खिरगांव वासी जितने हैं, हम उसके से चाचा भतीजा जो भी हम लोग उनका भाई बंधु सब हैं, हम लोग उसको बहुत अपने आप को गर्व कर महसूस करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा हजारीबाग का सारा युवा हमारे भतीजे से प्रेरणा ले कि हम भी देश के लिए कुछ करें, और हम लोग ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई जाने, हम लोग सिर्फ जाने तो एक हम हिंदुस्तानी हैं, जिसे हमारा भतीजा हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया। इसलिए हम सभी हजारीबाग के लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे भतीजे की तरह आप भी ऐसो अपने देश के लिए कुछ करें। तो यहाँ से आपने सुना और चारों तरफ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो आप देखेंगे पूरा जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है, और इधर भी आप देख पाएंगे तो पूरा जो जनसैलाब आज उमड़ा हुआ है ये सिर्फ संदीप पाल जो शहीद हो गए अपने देश के प्रति उनको लेकर के उनके सम्मान में सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर आप क्या कहिएगा आज के इस विशेष दिन में जो इतने कड़कड़ाती जो धूप है इसमें सारे लोग इंतजार में हैं, स्वागत में हैं उनका? देश का जवान शहीद हुआ है, उनके लिए तो कुछ प्रतिष्ठा तो करना ही होगा। जी, सारे लोग उस तरह से प्रतिष्ठित भी हैं, चारों साइड आप नजर दौड़ाएंगे। मोटरसाइकिल आया 1500, 1500 गाड़ियां अभी आई हुई है, गाड़ी आई है और अभी आ रही है भी गाड़ी। सारे लोग इंतजार में हैं, यहाँ ही नहीं पूरे हजारीबाग में आज सारे लोग इंतजार में हैं, उनके सम्मान में खड़े हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका बेटा नहीं जिन्होंने उसको जन्म दिया था, ये पूरे देश का बेटा था और जो शहीद हो गया अपने देश के लिए। तो बस यही कहेंगे कि अपने देश के जो जवान हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं उनके लिए अपने दिल में थोड़ा सा जगह जरूर रखिएगा। तो सफर नया भारत से एक नए हजारीबाग और एक नए देश की कामना करते हुए उमेश कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।